राजस्थान से बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी में इन दिनों बदलाव का दौर चल रहा है। अध्यक्ष पद के चुनाव से लेकर चुनावी प्रक्रिया तक बड़े बदलाव किए गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए साथ ही जिम्मेदारियों का भी बंटवारा किया जा रहा है। अहमद पटेल की जगह पार्टी में अशोक गहलोत को दी गई है। दरअसल कांग्रेस में जल्द ही अध्यक्ष पद के चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले संगठन में बदलाव होने लगे हैं। बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद पर श्रीनिवास बीवी की भी नियुक्ति की। इससे पहले श्रीनिवास बीवी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन अब पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इस नियुक्ति के बाद यूथ कांग्रेस की तरफ से ट्वीट करके लिखा गया कि वो लीडर सभी को प्रेरणा देते हैं, श्रीनिवास को यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए बधाई, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को हम पर विश्वास जताने के लिए शुक्रिया। कोरोना काल संकट हो या किसी भी राज्य में कोई आपदा का समय हो, इस दौरान यूथ कांग्रेस के श्रीनिवास हर जगह नजर आए हैं। लगातार सोशल मीडिया पर वे लोगों की मदद करते दिखे हैं, जिसके बाद उनकी लोकप्रियता में बड़ा उछाल हुआ है। सिर्फ सामाजिक कार्यों में ही नहीं, बल्कि यूथ कांग्रेस ने समय समय पर मोदी सरकार के खिलाफ भी बड़ी आवाज उठाई है। बुधवार को भी चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कृषि कानून के बिलों को लेकर विरोध कर रहे थे और किसानों के हक में आवाज उठा रहे थे। कर्नाटक से आने वाले श्रीनिवास अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत बतौर NCYC सदस्य से की थी, जिसके बाद उन्हें जिला समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। साल 2018 में श्रीनिवास को यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया था। 2019 चुनाव के बाद से वो बतौर अंतरिम अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के साथ रहे और अब अध्यक्ष बना दिया गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।